बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है जी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जी, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन इज टुडेज़ टॉपिक। नाउ जितना इसका नाम साइंटिफिक है, इतना ये टॉपिक साइंटिफिक नहीं है जी। दिस इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक। वेरी इजी का क्या, मैं तो कहता हूँ बस दो मिनट की बात है, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे जी। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो किसी नंबर को किसी खास तरीके से एक्सप्रेस करने का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। और वो खास तरीका क्या होगा? वो खास तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है अ पावर ऑफ 10। और वो नंबर क्या होता है? तो वो कोई ऑर्डिनरी नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो यूज है वो बहुत बड़े नंबर के लिए और बहुत छोटे नंबर के लिए। तो मैं अगर इसको डिफाइन करता हूं जी, सो टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दिस इज व्हाट, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट? द स्टैंडर्ड फॉर्म मींस अ पावर ऑफ 10। और गिवन नंबर, तो मुझे ये एडवांटेज होगा कि वो नंबर मेरा वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल अगर हो, तो उसको अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो मेरे लिए अच्छा है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह होगा? तो लेट से द गिवन नंबर इज n, सो दिस n इज रिप्रेजेंटेड एज अ मेंटीसा m मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, सो दिस इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंट व्हिच कुड बी प्लस और माइनस लेट से n। सो प्लस फॉर अ लार्ज नंबर, माइनस फॉर अ स्मॉल नंबर, वेयर दिस m इज कॉल्ड व्हाट, दिस m इज कॉल्ड द मेंटीसा। And we have a limit to this. The limit is what? That this m is a non-zero digit, a single non-zero digit. Jiska matlab hai ki this can be greater than or equal to 1, and this has to be less than or equal to 9. And the decimal point would lie over here, after the mentisa. So which means to the left of the decimal point you have only one non-zero digit. Samajhai ji, samajhai. Ab iska fayda kya hai ji? Fayda kya hai, nuksan kya hai? To nuksan to koi nahi hai ji. Fayda ye hai ki aasani hai ji. Agar aap baat karte hai apne the number of cells that make up the human body, for instance, तो क्या वो एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है? अब बायोलॉजी भी स्टडी करते होंगे, मेरे ख्याल में ट्रिलियंस में वो नंबर आता है जी। तो लेट से मैं एक नंबर लेता हूं जी रैंडमली, या मैं चले आपका एवोगैड्रोस नंबर ले लेता हूं, विच इज व्हाट, 6.02 into 10 to the power 23 आप लिखते हैं ना, तो वो किस तरह लिखते हैं? So this is like this, 1, 2, then you have 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Avogadro's number, 6.02 into 10 to the power 23. तो उस तरह आसान है या इस तरह आसान है? इस तरह आसान है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, इसी तरह आसान है, उस तरह आसान है जी। साइंटिफिक नोटेशन में यानी पावर्स ऑफ 10 में, तो इसको मैं पावर ऑफ 10 किस तरह लिखूंगा जी? अभी इसका डेसिमल पॉइंट इस पॉइंट पर है जी। अब मैंने इसको लाना है व्हाट, दैट आई हैव ओनली वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब है कि दिस 6 इज माय ओनली नॉन जीरो डिजिट, सो माय पॉइंट शुड कम ओवर हियर, सो आई नीड टू शिफ्ट माय पॉइंट टू द लेफ्ट। अब आपको ये रूल्स तो आते होंगे, यानी कि अगर मैं लिखता हूं 6.02 into 10 to the power, तो 10 to the power में मैं अगर इसको एक्सप्रेस करता हूं, तो अगर आप डेसिमल पॉइंट को पीछे की तरफ ला रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो आपका जो पावर ऑफ 10 है वो आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि ऐड होगा जी,
तो देखे अब मैं इसको पीछे लाता हूं, वन डिजिट तो ये होगा 10^1, टू डिजिट 10^2, तो देखे मैं कितना ला रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 digits. 23 digits मैं इसको पीछे लाया तो इसका मतलब मेरा एक्सपोनेंट जो होगा वो होगा +23। तो एक इतने बड़े नंबर को जिसमें मेरे पास गलती की बहुत बड़ी गुंजाइश है, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, मैं एक छोटे से फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आई। सिमिलरली फॉर अ वेरी स्मॉल नंबर जी, लेट्स से 0.0000 जाते जाए जी, चले बस ज्यादा दूर ना जाए, ठीक है, ज्यादा दूर ना जाए। अभी इसका डेसिमल प्लेस किधर है जी, यहां पर है। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए टुवर्ड्स द लेफ्ट ओनली वन नॉन जीरो डिजिट छोड़ना है, इसका मतलब मुझे डेसिमल पॉइंट इधर चाहिए 2.3, तो मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा जी 2.3 × 10^1। तो अब देखे अगर आपका डेसिमल पॉइंट जाएगा टुवर्ड्स द राइट तो आपका जो पावर ऑफ 10 है वो आएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसका मतलब है कि पावर ऑफ 10 नेगेटिव की तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा जी। तो देखे अब मैं कितने यूनिट जा रहा हूं, अगर एक यूनिट जाता हूं तो -1, तो देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 यूनिट्स में आगे आया हूं जी, तो इसका मतलब है कि 10^-10 होगा। अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें जब डेसिमल पीछे जाएगा तो पावर ऐड होगा जी। समझ आई, समझ आ गई जी, सिंपल सी बात है जी, सिंपल सी बात है। ये आपको पता तो है ना कि किस तरह होता है जी, यानी कि मैंने एक्सप्रेस किस तरह किया। लेट्स से मैं यही है वो गेट रोज नंबर ले रहा हूं 6.02, लेकिन मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा, मैं बस ये लेट्स से इधर तक आता हूं, 6 पॉइंट इसमें इधर नहीं है। तो लेट्स से इसको मैंने एक्सप्रेस करना है, तो ये मैं किस तरह एक्सप्रेस करता हूं, तो देखे अगर मैं एक जीरो को इधर से खत्म करता हूं, यानी मेरे पास रह जाते हैं जी कितने जीरोस, 3 जीरोस, तो इसका मतलब है कि इस नंबर को इस नंबर के बराबर करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है विद अ 10। समझ आई। मैं एक और जीरो उड़ाता हूं जी, मेरे पास 2 जीरोस रह गए कि नहीं रह गए, बिल्कुल रह गए, तो क्या इसको मुझे 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा टू गेट बैक दिस नंबर, करना होगा जी। तो क्या 110^2 नहीं है जी, बिल्कुल है। मैं एक और जीरो खत्म करता हूं तो क्या मुझे इसको 10^3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, सिमिलरली 10^4, 10^5, क्या ये इसी तरह नहीं है जी, एरर होगा, राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपको पता है जी, वो मैंने इसमें जो है निगलेक्ट किए, लेकिन क्या इस तरह नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब फॉर ईच डेसिमल पॉइंट यू शिफ्ट टू द लेफ्ट यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ 10। फॉर ईच डेसिमल पॉइंट यू शिफ्ट टू द लेफ्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, व्हिच मींस दैट यू आर डूइंग व्हाट, यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ 10, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद अ 10। समझ आई। सिमिलरली फॉर ईच डेसिमल पॉइंट यू शिफ्ट टू द राइट यू आर डिवाइडिंग बाय 10। अब इसको मैंने इधर लेकर आना है, इसका मतलब है कि मैं इसको करता हूं जी 0 पॉइंट, ये मैं इधर लेकर आया हूं, सो 3 जीरोस 2, इसको अब मैंने डिवाइड किया है बाय 10, सो विच मीन 10^-1, 0.002 × 10^2, 0.02 × 10^3, 0.2 × 10^4, 2 × 10^5. This is the standard form. समझ आई। ये भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर है, एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन हमें बता रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल
ओनली वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए जी। सिमिलरली ये भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो है, एक नंबर को हमें डिफाइन कर रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन नहीं। समझ आई? समझ आई। रूल्स की मैं बात करता हूं, रूल्स की अगर मैं पहले बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन इज अ वेरी सिंपल वन। अगर आप दो नंबर्स आपको गिवन है, लेट्स से ए है मल्टीप्लाई 10 टू द पावर एम है, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है विद अ नंबर बी विच इज 10 टू द पावर एन, लेट्स से, तो आप क्या करते हैं, ए और बी मेंटीसस हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, और 10 टू द पावर्स को जो पावर्स है वो ऐड कर लेते हैं। सिंपली वो कुछ भी हो सकता है, 2 × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻⁴। तो इससे क्या आ जाएगा जी, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 10⁻³ को ऐड करेंगे 7। समझ आई जी? सिमिलरली नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं जी। अगर 2 × 10³ है और मल्टीप्लाई 3 × 10⁻²² है, तो ये 6 × 10⁻¹ आ जाएगा जी। समझ आई? समझ आई। सेम हो या डिफरेंट हो, जो भी हो, बस आपने पावर्स को ऐड करना है, मेंटीसस को मल्टीप्लाई करना है। समझ आई? लेकिन अगर आपके पास हो 6 × 10⁻² और फिर मल्टीप्लाइड विद लेट से 4 × 10⁴, तो इससे क्या आएगा, तो 6 × 4 = 24 × 10⁻³। क्या चीज, 2 और 4 6, तो क्या ये सही है जी? गलत है जी। क्यों गलत है? क्योंकि टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट मुझे एक नॉन जीरो चाहिए, तो इसका मतलब मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा एस 2.4। अब देखिए, मैं इसको पीछे लेकर गया हूँ डेसिमल को, इधर से एक डिजिट पीछे, तो इसका मतलब है मैं एक 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा या 10 की पावर में एक ऐड करूंगा, सो 10⁷। अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सिमिलर रूल डिवीजन के लिए भी है जी, डिवीजन के लिए यही रूल है। पावर जो भी हो, पावर्स आपने उसमें सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। लेट्स से एक नंबर है a × 10⁻ₙ, उसको आपने डिवाइड करना है एक नंबर पे विच इज b × 10⁻ₙ, तो आप मेंटीसस को डिवाइड करेंगे a/b और फिर 10⁻ₙ − n करेंगे। तो सिंपली अगर मैं लेता हूँ 6 × 10⁻³ / 2 × 10⁻⁴, तो आपने करना है क्या, a/b, सो 6/2 वुड बी 3 एंड मल्टीप्लाइड विद 10 टू व्हाट, 3 − 4 = 3, 10⁻¹। सिमिलरली अगर इस तरह हो तो आपने उसको फिर राउंड ऑफ करना होता है। नंबर थर्ड अगर आप बात करते हैं जी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें अब उस तरह नहीं होता। लेट्स से ए मल्टीप्लाई 10⁻ₙ है और प्लस बी करना है, तो वो 10⁻ₙ ही होना चाहिए, यानी एडिशन में आपके जो पावर्स हैं वो सेम होने चाहिए जी। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर मैं इधर सब्ट्रैक्शन बी साथ में लिख देता हूँ या एक दूसरे कलर से लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, मेंटीसस को आपने ऐड करना है और 10 का पावर वही आएगा m। समझ आई कि नहीं आई? और सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर आपकी हो सब्ट्रैक्शन, तो फिर भी आपने यही करना है कि सब्ट्रैक्शन में भी पावर्स सेम होंगे जी, तो आपने मेंटीसस को सब्ट्रैक्ट करना है और पावर वही होगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूं कि 3 × 10⁻², 5 × 10⁻²² ही होना चाहिए फिर, तो 3 और 5 को मैं ऐड करूंगा 8 × 10⁻², ये आ जाएगा जी। लेकिन अगर मेरे पास अब इस तरह है 3 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻², तो अब ये किस तरह होगा, तो अब ये डायरेक्टली नहीं होगा जी। अब इस तरह नहीं होगा कि 3 और 5 को ऐड करें 8 और 3 और 2 8 × 10⁻⁵। ये आपको एंट्री टेस्ट के ऑप्शन में गिवन होगा, जो कि गलत होगा जी, आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि या तो इस 3 को 10⁻² करें या इस 2 को 3 करें, दोनों को सेम करें। तो लेट से मैं इस 3 को क्या करता हूं, 2 करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं अगर पावर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मैं आगे की तरफ डेसिमल पॉइंट को लेकर आऊंगा, तो इसका मतलब है कि ये होगा 30 × 10⁻²,
ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट को मैं आगे लाया तो पावर सब्ट्रैक्ट हुआ और फिर प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2, सो इससे आ जाएगा 35 इंटू 10 टू द पावर 2। समझ आई? समझ आई। सिमिलरली मैं इसको यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 3 ही रहने देता हूं और मैं इसके साथ प्लस करता हूं। अब इसको मैंने चेंज करना है, 3 करना है, तो इसका मतलब मुझे पीछे आना होगा, तो इसका मतलब है कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। समझ आई? तो अब इन दोनों को ऐड करें, सो दिस वुड बी 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब साइंटिफिक नोटेशन ये है कि ये है, साइंटिफिक नोटेशन ये है जी, वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। आंसर ठीक है लेकिन साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। यानी फिर आप कहेंगे कि मैं इस 3 को 2 वे कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं जरूर इस 2 को ही 3 वे कन्वर्ट करूंगा। नहीं, तो इस तरह नहीं है। अब जो भी करते हैं, अब ये भी यही आंसर है लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आया। तो अभी आप क्या करें कि इसका मजीद एक डेसिमल पॉइंट अगर मैं पीछे लेकर जाता हूं, सो 3.5 करता हूं, तो क्या ये वही 10 टू द पावर 3 नहीं आता है? बिल्कुल आता है। यानी अगर आप इस 2 को 3 में कन्वर्ट, इस 3 को अगर आप 2 में कन्वर्ट करें या इस 2 को आप 3 में कन्वर्ट करें तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा। लेकिन ये देखें, अब 3.5 10 टू द पावर 3 और 35 10 टू द पावर 2 दोनों एक ही बात है, लेकिन आपने आंसर में स्टैंडर्ड फॉर्म को टिक करना होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म उससे भी बनता है लेकिन ये डायरेक्टली आ गया जी, तो दोनों बात एक ही है जी। समझ आई? समझ आई। और सिमिलरली जो है तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इधर डिफाइन करता हूं जी प्रीफिक्सेस को, प्रीफिक्सेस को भी मैं इधर डिफाइन करता हूं, लिख के जरा डेफिनेशन। प्री तो होता है बिफोर, सही है जी। सो सम स्टैंडर्ड सम स्पेसिफिक लिखे, सम स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10 आर गिवन स्पेसिफिक नेम्स कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड प्रीफिक्सेस। अच्छा, कोई खास पावर ऑफ 10 होता है, अगर उसको हम कोई खास नाम दे दें तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और वो खास पावर ऑफ 10 क्यों कौन सा होगा? जो एक्सटेंसिवली यूज्ड होगा जी, जो वेल नोन होगा, काफी यूज होगा उसका। तो इस स्पेसिफिक पावर की मैं जो बात कर रहा हूं तो वो ये कोई खास इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला होगा, एक्सटेंसिवली यूज्ड। यानी कि 10 टू द पावर 3 आप कितना ज्यादा यूज करते हैं? 10 टू द पावर 3 किलोग्राम, किलोमीटर्स, किलो एक चीज, किलो दूसरा चीज, तो यानी 10 टू द पावर 3 ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है इसलिए हमने इसको नाम दिया है किलो का। सिमिलरली 10 टू द पावर नेगेटिव 3 काफी ज्यादा यूज होता है तो इसको हम नाम देते हैं मिली, मिलीमीटर, मिलीमीटर, यस। सिमिलरली आप जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ते हैं, 10 टू द पावर -6 काफी ज्यादा यूज होता है तो इसलिए हम उसको नाम देते हैं माइक्रो का। और माइक्रो फैराड्स, माइक्रोमीटर्स, कैपेसिटेंस सारे माइक्रो फैराड्स में तकरीबन होते हैं, सही है जी। तो बस ये बात है, यानी कि कोई खास पावर ऑफ 10 जो बहुत ज्यादा यूज हो उसको हम कोई खास नाम देते हैं, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। आपकी बुक पे कुछ प्रीफिक्सेस है जी, तो मैं इसको लिख देता हूँ। आप क्या लिखा हुआ है जी हेडिंग? मैं जरा इधर हेडिंग जरा चेक कर लेता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। प्रीफिक्स नाम है उसका, पावर ऑफ 10 है और फिर सिंबल है जी। प्रीफिक्स जो आपने इसको नाम दिया हुआ है, फिर इसका जो पावर है ऑफ 10 वो मेंशन है और फिर इसका जो सिंबल है वो मेंशन है। तो ये मैं शुरू करता हूँ 10 टू द पावर 24, 21, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 6, negative 9, negative 12, negative 15, negative 18, negative 21 और negative 24. तो ये
आपकी बुक में कुछ मेंशनड है वो प्रीफिक्सेस, वो पावर्स ऑफ 10 जिनका एक्सटेंसिव यूज है. तो अब पावर्स ऑफ सॉरी ये मैंने जरा इधर उल्टा कर दिया जी. तो ये पावर है जी, ये वो पावर ऑफ 10 है और क्या है. अब इसको जो मैं नाम दूंगा वो मैं इधर लिख रहा हूं और फिर इसका सिंबल भी मैं लिखता हूं जी. तो लेट्स से मैं इधर बुक से जल्दी जल्दी करता हूं क्योंकि मुझे ज्यादातर याद नहीं है. तो ये है योटा जेटा एग्जा पेटा टेरा. अब ये तो मुझे याद है जी. गीगा मेगा, फिर ये है किलो, 10^2 डेसी है मेरे ख्याल में, क्या है, नहीं हेक्टो, फिर है डेका, फिर ये डेसी है, फिर -2 सेंटी है, फिर -3 मिली है, फिर -6 माइक्रो है, फिर -9 क्या है जी, नैनो पीको फेमटो, नैनो है, पीको है, फेमटो है, एटो है, और ये जेप्टो और योक्टो. समझ आई जी. तो इसका मतलब है कि ये कुछ खास पावर्स ऑफ 10 है जिनको हम जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. तो बार बार इनके लिखने के बजाय हम इनको खास नाम देते हैं और फिर इनको सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो नॉर्मली जो पॉजिटिव पावर है उनको कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, YZEP, टेरा के लिए T, गीगा के लिए G, मेगा के लिए M. अब किलो के लिए स्मॉल K है क्योंकि कैपिटल K पर हम केल्विन के लिए यूज़ करते हैं उमूमन, ठीक है जी. हेक्टा के लिए भी मेरे ख्याल में स्मॉल H है क्योंकि कैपिटल H और Z पर मेरे ख्याल में फ्रीक्वेंसी के लिए है, ठीक है. तो ये H है, फिर ये स्मॉल DA है. डेका के लिए, फिर डेसी के लिए सिर्फ D है, सेंटी के लिए C, मिली के लिए M, माइक्रो के लिए म्यू है, नैनो के लिए N है, पीको के लिए P, F, A, Z और Y. तो ये हो गए जी आपके प्रीफिक्सेस और मेरे ख्याल में मैं इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये मैं ज़रा वैसे ही ले आया ताकि थोड़ा सा तो बात लंबी हो सके, थोड़ी सी डिस्कशन तो हो सके. वो ज़्यादा छोटी वीडियो मुझे पसंद नहीं है जी. साइंटिफिक नोटेशन में आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंटीसा है और फिर पावर है, ठीक है. अगर डेसिमल पॉइंट को आप टू द लेफ्ट लाएंगे तो 10^2 आगे जाएगा जी, बढ़ेगा, ऐड होगा. अगर डेसिमल पॉइंट को आप आगे लेके जाएंगे टूवर्ड्स द राइट, डेसिमल पॉइंट कम होगा जी, टूवर्ड्स द लेफ्ट आएगा, माइनस होगा जी. समझ आई. इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी. आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. गुड बाय.